ये है एक डर्ट ब्लॉक। देखने में ये वन ब्लॉक की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये वन ब्लॉक से थोड़ा अलग है। ये ब्लॉक एक बॉर्डर से घिरा है जो कि इसे माइन करने पर धीरे धीरे खुद ही एक्सपेंड होता रहेगा। इस ब्लॉक से हमें सिर्फ रैंडम चीजें मिलने वाली है और प्रोग्रेस करने के लिए हमें इस मटेरियल को ट्रेडर्स को ट्रेड करना होगा। व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज स्पार्क एंड माय नेम इज फ्लेम। हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का टाइम है जिसमें हमें इस छोटे से ब्लॉक को एक काफी बड़े मेगा बेस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन ये वीडियो थोड़ी हटकर होने वाली है क्योंकि इतनी बड़ी बिल्ड के साथ ही हमने इसमें स्टोरी टाइम भी किया है, तो अगर तुम कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड या एंजॉय द वीडियो। हम स्पॉन हुए एक छोटे से डर्ट ब्लॉक पर जो कि चारों तरफ से एक बॉर्डर से घिरा हुआ था, और जितना हम इसे माइन करेंगे ये बॉर्डर उतना एक्सपेंड होता रहेगा। लेकिन इससे हमें सिर्फ छोटे मोटे रिसोर्स मिलेंगे, और अगर हमें ढंग के रिसोर्स चाहिए तो थोड़ी थोड़ी देर बाद एक ट्रेडर स्पॉन होता रहेगा जिससे हम आइटम्स खरीद सकते हैं। तो हमने ब्लॉक्स माइन करना शुरू किया और थोड़ी देर में एक ट्रेडर स्पॉन हो गया। वो हमें थोड़ी बहुत आइटम्स बेच रहा था, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास रिसोर्स ही नहीं थे, तो हमने उन्हें कैद कर दिया, बोट में बैठा दिया। फिर हमने स्टोन के टूल्स बनाए। थोड़ी देर बाद एक ट्रेडर स्पॉन हुआ जो कि 47 डर्ट के बदले 7 आयरन बेच रहा था, तो हमने उससे आयरन खरीद लिया। लेकिन हमारे पास बेड नहीं था तो हमने रात भर सिर्फ माइन किया। अगले दिन एक और ट्रेडर स्पॉन हुआ और वो बेच रहा था 5 आयरन के बदले 9 स्ट्रिंग्स, तो हमने उसे आयरन बेचकर स्ट्रिंग्स खरीदी और फिर उससे वूल बनाकर 2 बेड बनाए। फिर हम काफी देर तक माइन करते रहे और जो सैपलिंग्स हमें मिल रही थी हम उन्हें भी लगाते रहे। नेक्स्ट डे ट्रेडर भाई पफर फिश बकेट बेच रहे थे जो थे 4 आयरन की, और हमें पानी की काफी जरूरत थी, तो बकेट लेकर हमने पफर फिश को मार दिया और अब हमारे पास पानी भी आ गया। थोड़ी देर बाद एक और ट्रेडर स्पॉन हुआ और वो बेच रहा था 16 आयरन और गन पाउडर के बदले लावा बकेट, और पानी और लावा बकेट से हम कोबलस्टोन जनरेटर बना सकते थे, लेकिन हमारे पास गन पाउडर ही नहीं था तो हम उसे खरीद नहीं पाए। उसके बाद हमने फिर से पूरा दिन सिर्फ माइनिंग की। अगले 2 दिनों तक हम सिर्फ माइन करते रहे, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं था, तो हमने प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड किया और उसके ऊपर एक खेत बना दिया। फिर हमने बोन मिल का यूज करके इन्फानाइट वाटर सोर्स बनाया और दिन के एंड में फसल फार्म की। फिर हमने ट्रेडर से फार्मिंग के लिए आलू खरीदे, साथ ही वो 21 गोल्ड का काउ एग बेच रहा था तो हमने उसे 2 काउ एग्स भी खरीद लिए। अगले दिन सुबह ही ट्रेडर 2 गाय लेकर भी आ गया, और अब हमारे पास जानवर भी थे तो हमने उन्हें बोट के अंदर बैठा दिया। माइनिंग करके अब हमें एंशिएंट डिब्रीज मिल रहा था, तो अब हम नेदरराइट के टूल्स भी बना सकते थे। एक्सपेंशन के लिए हमें वुड की काफी जरूरत थी, तो हमने एरिया एक्सपेंड किया और वहाँ पर ट्री फार्म बना दिया। नेक्स्ट हमने सामान और जानवरों को रखने के लिए भी एरिया एक्सपेंड किया। फिर हमने काफी टाइम लगाकर चेस्ट में सामान को सॉर्ट किया। हमारे पास काफी सारा एंशिएंट डिब्री हो गया था तो हमने उसे स्मेल्ट किया, फिर डायमंड का फुल आर्मर और टूल्स बनाए। लेकिन हमारे साथ एक स्कैम हो गया। हमें पता चला कि अब डायमंड आर्मर पर नेदरराइट ऐड करने के लिए आर्मर ट्रिम की जरूरत भी होती है, जो कि हमारे पास था ही नहीं और लग भी नहीं रहा था कि वो मिलेगा भी। तो अफसोस, हमें डायमंड के आर्मर और टूल से ही काम चलाना पड़ेगा। साथ ही हम एरिया में टॉर्चेस लगाना भूल गए थे, तो काफी सारे मॉब्स स्पॉन हुए थे तो उन्हें मारकर हमने जल्दी से एरिया में टॉर्चेस प्लेस की। बिल्डिंग के लिए हमें काफी सारा मटेरियल चाहिए था, तो अगले काफी घंटों तक हम सिर्फ माइनिंग ही करते रहे। इसी बीच हमने 2 ऊंट भी खरीदे जो कि किसी भी काम के नहीं थे, बस वो हमारा काम बार बार रोक रहे थे। साथ ही एक ट्रेडर स्निफर एग भी बेच रहा था तो हमने उससे वो भी खरीद लिए। ऊंट से बचने के लिए हमने मेन ब्लॉक के चारों तरफ फेंस लगाई, लेकिन ऊंट उसके ऊपर जंप कर सकता था तो हमने डबल फेंस लगाई, लेकिन वो उसके ऊपर भी जंप कर सकता था तो इन दी एंड हमें उसे ऊपर से भी बंद करना पड़ा। हमारे पास अब काफी सारा मटेरियल था तो हमने बेस को काफी बड़े सर्कल में कन्वर्ट करने का सोचा, जिसके लिए हम यूज करने वाले थे काफी सारी ओक स्लैब्स। ये सर्कल काफी बड़ा था तो इसे बनाते हुए काफी ज्यादा दिन लग गए। तो जितने टाइम हम ये बिल्ड कर रहे हैं उतने टाइम में हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं जो कि हमारे साथ काफी सालों पहले हुई थी। इस कहानी का नाम है सोने के गोलगप्पे। इस कहानी को हम तुम्हें इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, तो जरा ध्यान से सुनना। तो साल का ऑलमोस्ट यही टाइम चल रहा था और हमारे एरिया में एक मेला लगता है, और हर 15-16 साल के बच्चे की तरह ही हम भी मेले में घूमने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। हालांकि हम वहां पर करते कुछ नहीं थे, सिर्फ दुकानों पर जाकर चीजों के प्राइस पूछकर वहां से भाग जाया करते थे क्योंकि उन्हें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हुआ करते थे। लेकिन हम अकेले नहीं हुआ करते थे, हम जाते थे गैंग में। हमारे साथ हमारे जैसे ही 5-6 गरीब बच्चे और भी हुआ करते थे, तो हर बार की तरह ही हम मेले में आवारागर्दी कर रहे थे। लेकिन घूमते घूमते हम काफी थक चुके थे, तो काफी सोचने के बाद हमारे छोटे दिमाग में एक आइडिया आया जो था क्यों ना हम गोलगप्पे खाने का एक कॉम्पिटिशन रखे जिसमें जो भी सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा वो होगा गोलगप्पा चैंपियन, और जो सबसे पहले हार मानेगा वो सभी लोगों के पैसे भरेगा। ठीक है, तो हम गोलगप्पे खाने के लिए ढंग की जगह ढूंढने लगे। तभी हमें एक आंटी का स्टॉल दिखाई दिया, तो हम बिना सोचे उस स्टॉल पर चले गए, और उस टाइम सब लोग काफी ज्यादा जोश में थे क्योंकि सबने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया था तो सभी बहुत भूखे थे। तो हमने उस आंटी को बताया कि जब तक हम में से कोई मना ना कर दे तब तक गोलगप्पे खिलाते रहना, और तभी उस आंटी की आंखें चमक उठी
और वो खुद ही बिना पूछे हमें कहानी सुनाने लगी कि सदियों पहले उसके पास ऐसे बच्चे आए थे और उन्होंने 500, ये नंबर याद रखना, 500 रुपए के गोलगप्पे खाए थे। तो एनीवेज हमने इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं सोचा और आंटी ने हमें गोलगप्पे खिलाना शुरू किया और हमने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी गोलगप्पे खाए थे वो सभी में से सबसे बेकार थे, क्योंकि उनमें सिर्फ पानी था। जो भी एडिशनल फीलिंग्स लोग गोलगप्पे में डालते हैं वैसा कुछ भी नहीं था। तो हमें लगा क्या पता ये सस्ते गोलगप्पे होंगे, तो हम बिना ज्यादा कुछ बोले गोलगप्पे खाते रहे और जितने जोश के साथ हमने शुरू किया था उतना ही जल्दी सब लेट भी गए, क्योंकि थे तो हम बच्चे ही और वो गोलगप्पे बहुत ही बेकार थे। तो ना कोई गोलगप्पे खाना चाहता था और ना ही कोई अकेला आदमी पैसे देना चाहता था, तो सबने फैसला किया साथ में रुकने का। अब हमें पूरा तो याद नहीं, लेकिन सबने बहुत ही कम गोलगप्पे खाए थे और पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी सिर्फ 200 से 250 रुपए तक ही बन रहे थे। तो हमने उस गोलगप्पे वाली आंटी से पूछा कि आंटी कितने पैसे हुए, और आंटी का जवाब सुनकर हमारे गोटे हमारे गोलगप्पे मुंह से बाहर आ गए, क्योंकि आंटी ने जवाब दिया सिर्फ 500 रुपए। तो हम आंटी को समझाने लगे कि पूरी कैलकुलेशन करने के बाद भी सिर्फ 250 रुपए तक ही बन रहे हैं, तो आप प्लीज हमें बता दे कि सबने कितने गोलगप्पे खाए हैं। लेकिन आंटी ने ये बताने की जगह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, प्लीज यहाँ से चले जाओ, अगर पैसे नहीं देने तो मत दो, लेकिन यहाँ से चले जाओ। और उस टाइम हमें समझ आया कि जब आंटी ने हमें वो 500 वाली बात सुनाई थी हमारी एंड गेम तो तभी शुरू हो गई थी। वो आंटी तो डेथ नोट वाले एल से भी ज्यादा तेज निकली, उसने तो हमारी यल लगा दिए। अब हमारे आसपास उस टाइम कोई 200-300 लोग होंगे और सब हमारी तरफ देखने लगे आखिर इन बदमाशों ने कर क्या दिया। और उस टाइम हम सब दिखते भी छपरियों की तरह ही थे, तो उससे भी ज्यादा हेल्प नहीं हुई और हमारी फटके चार हो गई, क्योंकि हमने तो गोलगप्पे का हिसाब मांगा था वो भी बिल्कुल प्यार से, और आंटी ने बदले में भीड़ में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। और ये सब सुनकर हम सभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, तो हमने काफी बहादुरी से आंटी को कन्फ्रंट किया और उन्हें पूरी कैलकुलेशन बताकर जितने पैसे बन रहे थे उतने ही पैसे दिए, ऐसा हमें करना चाहिए था। लेकिन हम काफी ज्यादा शॉक हो गए थे और ज्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते थे, और हम आंटी को बिना पैसे दिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि हम उस आंटी की तरह स्कैमर नहीं थे। तो हम सब ने अपनी चमनी अठनिया जोड़कर मुश्किल से 500 रुपए बनाए और उस आंटी को देखकर वहां से चले गए। और तुम में से कुछ लोग सोचेंगे कि सिर्फ 500 रुपए ही तो थे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, लेकिन ये काफी पुरानी बात है और उस टाइम सबको मुश्किल से घर से 400-500 रुपए मिले थे, जिनमें से आधे तो हमने पहले ही फालतू की चीजों पर खर्च कर दिए थे। तो इसलिए अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस कहानी का नाम सोने के गोलगप्पे क्यों था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं पर भी कुछ भी खाने से पहले, स्पेशली गोलगप्पे खाने से पहले, उस चीज का प्राइस पूछो और फिर उसके बाद ऐसे सतरंगी कॉम्पिटिशन करो। ये कहानी 5-6 साल पुरानी है, तो पता नहीं उस गोलगप्पे वाली आंटी ने अभी तक कितने मासूम बच्चों को स्कैम कर दिया होगा। तो सावधान रहे, सतर्क रहे। इस कहानी पर हमने अपने पुराने चैनल पर भी एक वीडियो बनाई थी जिसे की हमने एनिमेट भी किया था और उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा हाई थी। और आंटी बनाती गई और हमारा बनता गया, मेरा मतलब है कि और आंटी बनाती गई और हम खाते गए। लेकिन हमें अभी अभी ये स्टोरी याद आई, तो हमने सोचा क्यों ना हम बाकी बच्चों को इस स्कैम के बारे में थोड़ी जानकारी दे दे। तो अगर तुमने इस कहानी को एंजॉय किया और तुम ऐसे ही शानदार कहानी सुनना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि हमारे पास इससे भी भयानक और दर्दनाक कहानियां हैं। इस काम को करते हुए 50 दिन भी कंप्लीट हो गए, तो हमने उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बनाने का सोचा जो कि उससे छोटा सर्कल होने वाला था। उस छोटे सर्कल को बनाते हुए हमें काफी ज्यादा दिक्कत आई क्योंकि हम ब्लॉक को ढंग से प्लेस नहीं कर रहे थे, तो अपना टाइम हमने खुद ही वेस्ट कर दिया। फिर हमने उसकी हाइट बाहर वाले सर्कल के बराबर की और फिर हमने दोनों सर्कल को रैंडम ब्लॉक से फिल करना शुरू किया। तुम सोचोगे कि हम पागल हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस पूरी एरिया के अंदर पानी भरने वाले थे, लेकिन हमारे पास आसानी से टूटने वाले ब्लॉक्स बहुत ही कम थे, जैसे डर्ट, मड, क्ले एक्सेट्रा। तो हमें इस पूरे एरिया को थोड़ा थोड़ा करके भरना पड़ा। पहले हमारे पास काफी कम ब्लॉक्स थे और उन्हें रिमूव करते करते आधे ब्लॉक्स ऐसे ही गायब हो गए क्योंकि काफी सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो हम उन्हें पिक नहीं कर पाए। एंड में पानी से भरा हुआ सर्कल काफी अच्छा लग रहा था। अब इसके बाद हमने फिर से सोचा एक और सर्कल बनाने का, क्योंकि हमें गोल चीजें काफी पसंद है। ये सर्कल होने वाला था मेन ब्लॉक के बिल्कुल ऊपर और इसे बनाने के लिए हमने थोड़ी डिफरेंट ब्लॉक्स का यूज किया और लास्ट में पूरा सर्कल तैयार होकर काफी अच्छा लग रहा था। वैसे भी हमारा बनाया हुआ सब कुछ अच्छा होता है। एक छप्पड़ मार दूं। हमारे पास वुड की काफी कमी थी, तो हमने जितनी भी सैपलिंग इकट्ठा की थी हमने सभी को ग्रो करने के लिए लगा दिया। वैसे तो हमें माइनिंग करके भी काफी सारा मटेरियल मिला था, लेकिन वुड हमें इसलिए चाहिए थी क्योंकि हम इस सर्कल के सेंटर में काफी बड़ा ट्री बनाने वाले थे। जितनी देर तक पेड़ ग्रो हो रहे थे उतनी देर हम और मटेरियल इकट्ठा करते रहे, लेकिन वो ऊंट हमें काफी ज्यादा तंग कर रहे थे। तो इन दी एंड इसकी कीमत उन्हें अपनी मौत देकर चुकानी पड़ी। बिल्डिंग के लिए हमारे पास काफी सारा मटेरियल हो गया था, तो हमने बिल्ड पर काम शुरू किया। साथ ही हमने सोचा
क्यों ना हम बीच वाले सर्कल के चारों तरफ ब्रिजेस बिल्ड करें ताकि सारा एरिया आपस में कनेक्ट हो जाए। ये बिल्ड काफी ज्यादा बड़ी होने वाली थी, पर हम इसे बिना किसी स्कीमेटिक और रेफरेंस के बना रहे थे, तो इसे बनाते हुए काफी सारे ट्रायल्स और एरर करने पड़े। पहले हमारे पास काफी कम रिसोर्सेज थे और इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए 20 दिन माइनिंग करने के बाद भी मटेरियल काफी कम पड़ रहा था। पेड़ को ऊपर से फिल करने के लिए हमें काफी सारे लीफ चाहिए थे, लेकिन पेड़ के ग्रो होने में काफी टाइम लग रहा था, तो उतनी देर हम बिल्ड के नीचे वाले पार्ट पर काम करते रहे। फिर हमने लीव्स इकट्ठा किए, लेकिन एक बार फिर से वो काफी कम पड़ गए। तुम काफी दिन तक सिर्फ लीफ इकट्ठा करते रहे। हमने नीचे वाले एरिया से सारी टॉर्चेस हटा दी थी, तो वहां पर काफी सारे मॉब स्पॉन हो चुके थे, तो उन्हें मारने के लिए हमें काफी ज्यादा रिस्क लेना पड़ा। टाइम खत्म होने ही वाला था, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी था। अगले कुछ दिनों तक हमने सिर्फ छोटी मोटी डेकोरेशंस पर काम किया। हमारे पास काफी सारे ओर्स के ब्लॉक भी बचे हुए थे, तो हमने उनका इस्तेमाल भी डेकोरेशन में कर दिया। साथ ही ट्रेडर से हमने चेरी ब्लॉसम की सैपलिंग्स भी खरीदी थी, तो उन सैपलिंग्स को हमने मेन ट्री के अंदर लगा दिया ताकि वो अंदर से थोड़ा भरा हुआ लगे। फिर हमने सेंटर वाले सर्कल के ऊपर सीड्स प्लेस किए। टाइम खत्म होने ही वाला था, तो हमने जल्दी सीरिया को फिक्स और साफ किया, और टाइम खत्म होने के साथ ही हमारा मेगा बेस भी कंप्लीट हो गया। अगर तुम्हें ये बिल्ड जरा से भी पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।